हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ता बनाने के लिए मैंने ये बॉयल पटेटो ले लिया है और मैं इसे मैश कर रही हूँ। ये देखिए, मैंने मैश कर दिया है इस तरह से। बॉयल को मैंने बॉयल पटेटो था ये, मैंने इस तरह से कर दिया है। और साथ ही में मैंने ये पनीर लिया है, पनीर को भी मैं इस तरह से ग्रेट कर दिया है और आलू की तरह कर दिया है मैंने इसे पनीर को भी। और इसमें मैं कुछ ड्राई मसाले डालूंगी। ये देखिए, मैंने पनीर भी ग्रेट करके डाल दिया है और साथ ही मैंने इसमें ड्राई मसाले डालूंगी। ये चाट मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ और रेड पाउडर डाल रही हूँ, रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और नमक डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसे मैं मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, मैंने पटेटो पनीर सारे मसाले इसे मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे थोड़े थोड़े इस तरह से लेकर इसके बॉल्स बना लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह के मैं बॉल्स बना लेती हूँ और मैं रख देती हूँ। इसी तरह मैं सारे बॉल्स रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए, मेरे सारे बॉल्स रेडी हो गए हैं। अब मैं इसे फ्राई कर देती हूँ। ये मेरा ऑयल गर्म हो गया है, मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए, मैंने सारे पटेटो डाल दिए हैं और ये फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए, मेरे घर में हल्की आंच में इसे पका रही हूँ क्योंकि ये टूट ना जाए। अंदर बहुत सॉफ्ट है क्योंकि मैंने इसमें पनीर डाला है। ये बहुत हल्का है और सॉफ्ट भी। ये देखिए, मेरा थोड़ा हल्का हो गया है, और होगा। और जब तक मेरे ये पोटैटो फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं इसकी ग्रेवी कर देती हूँ। ये देखिए, मैंने इसकी ग्रेवी के लिए मैंने ये काजू, ये बादाम और लहसुन और प्याज मैंने लिया है। मैं इसे पीस देती हूँ, ग्राइंड कर देती हूँ मिक्सी पे। ये देखिए, मेरे सारे पोटैटो, मेरे बॉल्स रेडी हो गए हैं, फ्राई हो गए अच्छी तरीके से। अब मैं इसे निकाल देती हूँ। ये देखिए, मैंने इसकी ग्रेवी के लिए मैंने काजू और बादाम प्याज का मैंने जो बनाया था ये मैंने पीस लिया है। ये मैंने ऑयल फिर से चढ़ा दिया सेम पैन, मैंने ऑयल थोड़ा डाल दिया है, गर्म हो गया ये। अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ गर्म मसाला। और फिर जैसे ही हल्का होता है टोस्ट, ये हल्का टोस्ट हो गया है, ये मैं इसमें जो मैंने ग्रेवी बनाया था ये मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखिए, मैं इसे थोड़ा हल्का पकाऊंगी। साथ ही में मैं इसमें दही डाल रही हूँ, ये 2 चम्मच दही है। और ये ब्लैक पेपर मैं इसमें डाल रही हूँ और ये कसूरी मेथी मैं डाल रही हूँ। इसे मैं मिला दूंगी, अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसे पकाऊंगी। साथ ही में मैं इसमें 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल रही हूँ और इसे भी मैं मिक्स कर दूंगी। ये मेरी ग्रेवी का मटेरियल मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा पानी दे दूंगी। मैं इसमें पानी मैंने 1 चम्मच और डाल दिया है और पानी और डाल दे रही हूँ मैं। ये मैंने आधा कप पानी डाल दिया। ये देखिए, मेरा ग्रेवी रेडी हो गया है। साथ ही में मैं 1 चम्मच क्रीम डाल दी। ये देखिए, मेरा ग्रेवी रेडी हो गया है। साथ ही में मैंने इसमें नमक नहीं डाला, मैं इसमें नमक डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये देखिए, मेरी रेडी हो गई है। अब मैं सर्व कर देती हूँ। ये देखिए, मैंने इस तरह से पोटैटो रख दिया है और इसके ऊपर से मैं ग्रेवी डालूंगी। हमारा मलाई कोफ्ता रेडी हो गया है। ये देखिए, मैंने सर्व कर दिया है। साथ ही मैं ऊपर से जीरा पाउडर को ऊपर से डाल दे रही हूँ गार्निश के लिए।
ये देखिए हमारा मलाई कोफ्ता रेडी हो गया है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, बाय बाय।